हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आलोक। टुडे आई विल शो यू माय ट्रेड विच आई हैव टेकन इन दीपक नाइट्रेट। नाउ व्हाई आई हैव सेलेक्टेड दिस स्टॉक, बिकॉज देयर आर वेरियस फैक्टर्स बिहाइंड इट एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग हियर ईच एंड एवरी फैक्टर। नाउ फर्स्ट फैक्टर इज दिस ट्रेंड लाइन, द ब्रेकआउट ऑफ ट्रेंड लाइन। सेकेंड, द ब्रेकआउट ऑफ रेजिस्टेंस लेवल। एंड थर्ड, इट हैज़ फॉर्म्ड अ ब्यूटिफुल कप एंड हैंडल पैटर्न। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि यहाँ पे नोटिसेबल है वो है वॉल्यूम। अगर कोई भी ब्रेकआउट हो, आइदर वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हो, या किसी भी प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट हो, तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कम रहा तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा, ये ट्रू ब्रेकआउट नहीं होगा। और नाउ यहाँ पे भी सब लोगों को लगा होगा कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है या नहीं लिया है, तो मैं अभी अपना काइट का पोजीशन दिखाऊंगा, जो कि आज मैंने सिर्फ 8 मिनट के अंदर 10,112 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया। और ये नॉर्मल कैश और इक्विटी मार्केट नहीं है, यहाँ पे ये मैंने ट्रेड लिया है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए। तो जो भी इनएक्सपीरियंस ट्रेडर है, जिसे एक्सपीरियंस नहीं है, लेस देन 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो वो इसमें ट्रेड ना करें। जब तक आपको 2 साल का एक्सपीरियंस ना हो, तब तक आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करेंगे। और इसे डिटेल इन्फॉर्मेशन में जाए, मैंने कब बाय किया और कब सेल किया, तो मैंने 82.55 पे बाय किया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और मैंने सेल किया 123 पे। अप्रॉक्स 41 पॉइंट्स का मैंने मार्जिन कवर किया है। तो यहाँ पे सारे फैक्टर्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिए, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो और रेजिस्टेंस लेवल हो, और या फिर प्राइस पैटर्न हो, और या वॉल्यूम हो। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।